हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा अपने क्लास 12th के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। इसी चैप्टर की पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज की, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकती हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज को पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कोजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीज को, और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे आज कुछ बीमारियां जो ह्यूमंस के अंदर हो सकती हैं, कुछ कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इन्फेक्शियस एजेंट से। यहां मैं लिख देता हूं सबसे पहले क्या, इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो दोस्तों, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो होते क्या हैं, ये किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, ये है क्या वास्तव में, और हमें इनसे अवेयर रहने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली हम बात करते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो मैं यहां लिख सकता हूं एनी ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज इन देयर होस्ट ऑर्गेनिजम्स are called infectious agents। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, pathogens भी बोल देते हैं। infectious agents are also known by the name of pathogens। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में पता लगा क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जनरली ये क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनी ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज इन देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है ये अटैक करता है, अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करेगा, किसी तरह का कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देगा, सेल्स को डैमेज करेगा उसके, लेकिन ये उसकी बॉडी में क्या डेवलप करवा देगा, डिजीज डेवलप करवा देगा। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करने के बाद उसकी बॉडी में किसी डिजीज को डेवलप करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन। ठीक है, कई बार हम लोग क्या है कि पैरासाइट्स जो हैं इनको भी इन्फेक्शियस एजेंट्स में रख लेते हैं। अब पैरासाइट क्या होता है, देखिए पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। ठीक है, वो अपने होस्ट की बॉडी से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। अब चूंकि कोई ऑर्गेनिज्म अगर होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करेगा तो डेफिनेटली वो होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, डैमेज पहुंचाएगा। तो ये जो पैरासाइट्स हैं दे आर आल्सो इंक्लूडेड इनटू इंफेक्शियस एजेंट्स। और ये जो पैथोजन जैसे हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया है, ठीक है, या प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटोजोआंस, ठीक है, या वायरसेस हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर के या हमारे सेल्स के अंदर एंटर करके वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिराइव करेंगे, नंबर में इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे सेल्स को डैमेज करेंगे। क्लियर हुई बात। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआंस हैं, वायरस हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, न्यूट्रिशन भी डिराइव कर रहे हैं,
ठीक है, एक वायरस का अगर हम केस छोड़ दें तो वायरस जो है वो नॉन लिविंग एंटिटी में माना जाता है, इसको हम बॉर्डर लाइन पर रखते हैं, ठीक है, तो ये लिविंग या नॉन लिविंग में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन बैक्टीरिया की या प्रोटोजोआन की बात करेंगे या किसी दूसरे तरह के वर्म की बात करेंगे तो अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, हमारे टिश्यूज में एंटर करते हैं या हमारे ऑर्गन्स में एंटर करते हैं तो वहां से वो हमारे बॉडी पार्ट्स को, हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करते हुए अपना न्यूट्रिशन, अपना नरिशमेंट जो है वो हमारी बॉडी से ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो ये जो पैथोजेंस हैं, जो बैक्टीरिया हैं या प्रोटोजोआंस हैं या जो वर्म्स होंगे, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी पैरासाइट ही बोले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली डिराइव तो ये भी अपना न्यूट्रिशन ही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये वो दो तरह के सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो अगर इनको बोला जाएगा एंडोपैरासाइट, जैसे बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआन है या कुछ वर्म्स हैं, और अगर हमारी बॉडी की बाहर की सरफेस पर हैं तो इनको नाम दे दिया जाता है एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। कुल मिलाकर के हम बात क्या करेंगे, चाहे आप इंफेक्शियस एजेंट बोलिए, चाहे आप पैथोजन बोलिए, चाहे आप बोलिए पैरासाइट, ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद या अपने होस्ट की बॉडी पर अटैच होने के बाद, उनके कॉन्टेक्ट में आने के बाद, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी बॉडी में डिजीज डेवलप करते हैं, इसीलिए इनको हम इंफेक्शियस एजेंट कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं या पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इंफेक्शियस एजेंट्स हैं, ये इंफेक्शियस एजेंट्स किस कितनी तरह के हो सकते हैं, क्या क्या कैटेगरी है, ठीक है, वो भी आप एक बार थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। वैसे तो आप 7th-8th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं इसके बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या डिजीज जो काज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमने 2-3 नाम यहां पर लिए भी, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, या प्रोटोजोआंस हैं, या वर्म्स हैं, फंजाई है, वायरसेस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, इंफेक्शियस एजेंट्स हैं। तो मैं यहां पर टाइप्स ऑफ इंफेक्शियस एजेंट्स या पैथोजेंस ये लिख देता हूं। सबसे पहली कैटेगरी बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है कुछ केसेस में, जैसे दही वगैरह बनाने के लिए यूज में लाया जाता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बच्चा बच्चा जानता है इसके नाम को, हीरो है ये हमारे घर का, ठीक है, डाइट में हम लोग दही का कर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर तो है इसका बेनिफिशियल रोल। लेकिन बहुत सी बीमारियां भी ये जो बैक्टीरिया है इसकी अलग अलग तरह की स्पीसीज प्रेजेंट हैं, उनमें से कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कुछ जो है वो हार्मफुल है। हमने इस चैप्टर में यहां पर बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में, दोस्त बैक्टीरिया के बारे में, मित्र बैक्टीरिया के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है ऐसे बैक्टीरिया के बारे में जो हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, क्लियर। तो एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। दूसरा प्रोटोजोआंस है, ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, जैसे मलेरिया को काज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम, वो एक प्रोटोजोआन है, ठीक है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआन के अलावा वायरस, जैसा कि अभी हमने पीछे बात की, जो वायरस हैं वो ना तो लिविंग कंसीडर किए जाते हैं पूरी तरह से और ना ही पूरी तरह से इनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है, दे आर प्रेजेंट ओवर द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये भी हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को अफेक्ट करते हैं और वैरायटी ऑफ डिजीज जो है ये हमारी बॉडी में, दूसरे एनिमल्स की बॉडी में और प्लांट्स में काज करते हैं। आजकल जो कोरोना चला हुआ है वो इन्हीं भाई साहब की देन है, ठीक है। इसके अलावा फंजाई, देखिए हमारी बॉडी के अंदर फंजाई से होने वाली जो डिजीज है उनका नंबर काफी कम है, जैसे रिंगवर्म हो गया है, ठीक है, एथलीट फूट हो गया है,
कुछ इस तरह की बीमारियां जो है हमें पढ़ने को मिलेंगी हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी में। लेकिन ये जो ग्रुप है इंफेक्शियस एजेंट्स का, प्लांट्स के अंदर डिजीज काज करने के लिए ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। और इसके बाद जो लास्ट ग्रुप है वो है वर्म्स का, ठीक है। वर्म्स के बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। वर्म्स जो है दे आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है। आप लोगों ने फ्लैट वर्म्स दो कैटेगरी में आते हैं ये, एक फ्लैट वर्म्स जैसे लिवर फ्लूक वगैरह हैं, ठीक है, और दूसरे राउंड वर्म्स जैसे एस्केरिस है या बुचरेरिया है, आप लोगों ने एस्केरियसिस या एलिफेंटियसिस के बारे में पढ़ा होगा, वो वर्म्स की वजह से ही होने वाले बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जो वर्म्स हैं वो प्लांट्स में भी इंफेक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो ये इंफेक्शियस एजेंट्स या पैथोजेंस के पांच मेन ग्रुप्स हैं, ठीक है। इनसे होने वाली बीमारियों को हमें स्टडी करना है आगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन आज हम जो बीमारियां पढ़ेंगे वो सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पांच कैटेगरी हमने लिख ली है यहां पर। अब बात करते हैं ये जो इंफेक्शियस एजेंट है ये है कौन कौन सी, ये तो हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब ये इंफेक्शियस एजेंट्स हमारी बॉडी तक आते कैसे हैं, यानी कि इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, भाई ये बीमारियां तो तभी काज करेंगे ना जब ये हमारी बॉडी के अंदर आ सके, होस्ट की बॉडी के अंदर पहुंच सके, जब ये वहां पहुंचेंगी तभी तो बीमारियां ये फैलाएंगी, ठीक है। अगर ये पहुंचेंगी नहीं तो बीमारियां कैसे फैलाएंगी, और चूंकि ये बीमारियां फैला रही है इसका मतलब ये पहुंच भी रही है। तो बात करेंगे अब ये हमारी बॉडी या होस्ट की बॉडी में पहुंचते कैसे हैं, ट्रांसमिट कैसे होते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनके दो तरह के हैं, एक डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है, जैसा कि आपने कॉन्टेजियस डिजीज के बारे में पढ़ा था, कुछ इंफेक्शियस एजेंट्स हैं जो डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू फैलते हैं, जैसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हैंडशेक वगैरह है, ठीक है, या ये एनिमल बाइट की वजह से, ठीक है, या ये ट्रांसप्लासेंटल है, ठीक है, या ये सॉइल के कॉन्टेक्ट में आने से होती हैं। ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के मेथड है, या ड्रॉपलेट इंफेक्शन हो गया है, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। क्या कि जैसे रिंग वर्म्स वगैरह हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी इंडिविजुअल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, या जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में किसी के आए और भाई पहुंच गया तो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, या फिर हैंडशेक है, या रेबीज जैसी बीमारियां हैं कुत्ते के काटने से हो जाए जो, या ट्रांसप्लासेंटल बीमारियां हैं मां की बॉडी से बच्चे की बॉडी में पहुंच रही है थ्रू प्लेसेंटा, या चोट लगी है कहीं और उस वहां पर सॉइल जो है वो उसको चोट के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो इसके थ्रू ये फैल सकती है, या फिर ड्रॉपलेट इंफेक्शन जैसे कफ है या निमोनिया है या कोल्ड है ये फैलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट मेथड है या डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड भी इनको आप बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक ये डायरेक्टली फैल सकने वाली बीमारियां हैं। ये मेथड से क्या होंगी, वो बीमारियां सीधा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांसमिट होंगी। और जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है, जिसमें बीमारी जो है वो फैल तो रही है लेकिन किसी पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आने पर नहीं फैल रही है, बल्कि वो बीमारी फैलती है एक
जगह से दूसरी जगह तक बाय वेरियस मींस इंक्लूडिंग, जैसे वेक्टर है ठीक है, मक्खी मच्छर है जी, मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया है या डेंगू है या चिकनगुनिया है ठीक है, इस तरह की बीमारियां ट्रांसमिट हो जाती हैं पूरी कॉलोनी में, पूरे टाउन में या सिटी के अंदर ठीक है। या फिर व्हीकल हो, कोई व्हीकल मतलब एक कोई ऐसा सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जा रहा है और वो जो सब्सटेंस है वो कॉन्टेमिनेटेड है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेमिनेटेड फूड है, कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर है, ये व्हीकल का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे फोमाइट्स हैं, फोमाइट बोन डिजीज हो सकती है, फोमाइट समझते हैं, फोमाइट का मतलब है कि पेशेंट के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो चीजें हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बर्तन हो गए हैं, रुमाल हो गया है, तौलिया हो गया है, दरवाजे का हैंडल है, अगर कोई अभी जैसे कोरोना में बोला है ना कि किसी भी चीज को छूना नहीं है, डोर नॉब को छूना नहीं है ठीक है, जो हैंडल है उनको छूना नहीं है क्लियर, वो ये चीजें क्या है, क्योंकि वो जो पेशेंट है अगर वो उस डोर नॉब को उसने खोला होगा तो उसकी बॉडी से या उसके हाथ पर प्रेजेंट जो वायरस है वो डोर नॉब पर आ गया होगा। अब जब आप उस डोर नॉब को यूज करेंगे तो वही वायरस वहां से आपके हाथ पर आ गया और आपको इन्फेक्शन शो कर देगा। तो ऐसा नॉन लिविंग मटेरियल, ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो कि डिजीज ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं फोमाइट्स ठीक है। जैसे हैंकी हो गया है या टॉवल हो गया है, साबुन हो गया है घरों में, कॉम कंघा हो गया है ठीक है, डोरनॉब हो गए हैं ठीक है, बर्तन हो गए हैं, ये सब क्या है, फोमाइट्स है। इसके अलावा एयरबोर्न ठीक है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के मेथड है ये, इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड नीडल्स का इस्तेमाल है, कंटेमिनेटेड सिरिंज का इस्तेमाल है, क्या ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, क्लियर हुई बात। तो ये जो आपने इंफेक्शियस एजेंट्स पढ़े, ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक दो तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं, यानी कि ये दो मोड्स को फॉलो करते हैं फॉर देयर ट्रांसमिशन, आइदर दे ट्रांसमिट इनडायरेक्टली तो हम उसको जैसे वेक्टर के थ्रू या व्हीकल के थ्रू या फोमाइट के थ्रू या एयरबोर्न ठीक है, या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके यूज से तो हम बोलेंगे इसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, और ये पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या पर्सन टू एनिमल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या पर्सन टू सॉइल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अगर आता है तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोला जाता है ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कितने तरह के हैं, दो तरह के मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सॉरी इंफेक्शियस एजेंट्स जो है वो यूज करते हैं टू ट्रांसमिट डिजीज ठीक है। तो ये जो टॉपिक था वो इंफेक्शियस एजेंट्स का, और हमने इंफेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ा, कितनी तरह के होते हैं भी, वो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, वो प्रोटोजोआन है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, वो वायरस हैं इनमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, दे आर प्रेजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स ठीक है। फिर फंजाई है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, और वर्म्स है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स ठीक है। और फिर ये जो इंफेक्शियस एजेंट्स हैं ये फैलते कैसे हैं ये भी हमने पढ़ा, अब ये फैल गए हैं ठीक है, फैल गए मतलब ये होस्ट की बॉडी तक ट्रांसमिट हो गए हैं, अब होस्ट की बॉडी के अंदर आने के बाद ये क्या करेंगे ठीक है, होस्ट की बॉडी में एंट्री कहां से लेंगे। अब जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म कंटामिनेटेड फूड के थ्रू आ रहा है हमारी बॉडी में, वो ट्रांसमिट हो रहा है कंटामिनेटेड फूड के थ्रू या कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, तो वो हमारी बॉडी में एंटर कहां से कर रहा है, हमारे फीकल ओरल रूट से, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो एंटर करेगा, माउथ उसका पॉइंट ऑफ एंट्री हो गया, फीकल ओरल रूट को वो अफेक्ट करेगा ठीक है। जैसे टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू माउथ के थ्रू एंटर करता है, पॉइंट ऑफ एंट्री माउथ हो गया, वो फीकल ओरल रूट को अफेक्ट करेगा। कोरोना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करता है ठीक है,
तो रेस्पिरेटरी रूट को वो अफेक्ट करेगा। क्लियर हुई बात? तो पॉइंट ऑफ एंट्री की बात होगी, ये हमारी बॉडी के अंदर ये जो इंफेक्शियस एजेंट्स हैं ये जब पहुंच जाएंगे तो करेंगे क्या। देखिए पहुंचने के बाद में, क्योंकि जब ये सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे उस समय इनका नंबर जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि ये इमीडिएटली जाते ही तोड़फोड़ तहलका मचा दें और बीमार कर दें हमें। ठीक है, हमारे सेल्स को ये इमीडिएटली डैमेज नहीं कर सकते। हाँ जाएंगे, नंबर कम है तो कम सेल्स को डैमेज करेंगे। अब हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल है, हमें याद ही नहीं है कितने सेल मर रहे हैं कितने नहीं मर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये जो पैथोजेंस हैं जाते ही तो कुछ कर नहीं पाएंगे खास, लेकिन ये क्या करेंगे, अपने लिए सेफ जगह को ढूंढेंगे। सेफ जगह कौन सी होगी, वो सेल्स जिनके अंदर ये एंटर करेंगे उन सेल्स के थ्रू ये अपने नरिशमेंट को डिराइव करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं जैसे HIV का वायरस है, HIV का वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर करता है तो वो सबसे पहले टारगेट करेगा मैक्रोफेजेस को और फिर उसके बाद हेल्पर टी सेल्स को टारगेट करेगा। इनिशियली उसका नंबर कम है और आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल में लाने के लिए क्या करेगा, उसको अपना नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर इंक्रीज करने तक के लिए उसका बचे रहना भी जरूरी है। तो वो क्या करेंगे, आपके सेल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, कोई भी पैथोजन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया है या वायरस है या प्रोटोजोआंस है, उनका जनरल सा फंडा क्या होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर आए, एक पार्टिकुलर सेफ प्लेस देखा, वहां पर रुके, वहां पर अपना न्यूट्रिशन सेल से डिराइव किया। ठीक है, सेल से वो अपना जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। अब चूंकि सेल के अंदर है, सेफ जगह पर है, वहां तक WBC पहुंच नहीं पा रहे हैं या वो किसी वजह से बचे रह गए हैं, तो उस केस में क्या, अगर बचे रह गए, अगर जिंदा है वो वहां पर WBC की पहुंच में नहीं आए हैं, वो बचे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। और जब उनका नंबर सफिशियंटली इंक्रीज हो जाएगा उस सेल के अंदर, ठीक है, तो अब उस सेल के अंदर वो जो नंबर इंक्रीज हो गया है, वो सेल उन सभी माइक्रोबियल सेल्स को फर्दर फूड नहीं प्रोवाइड करता, तो वो क्या करेंगे, उस सेल को ब्रेस्ट करेंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे और बाहर निकल आएंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे फिर से नए सेल्स के अंदर घुस जाएंगे, जैसे ही वो नए सेल्स में घुसे उसी साइकिल को रिपीट करेंगे, सेफ जगह ढूंढी, खाना लिया, ग्रो किया और डिवाइड किया टू इंक्रीज देयर नंबर। और ये जो नंबर है धीरे 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 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते हुए हजारों लाखों की संख्या तक पहुंच जाता है। और जब उनका नंबर इतना ज्यादा हाई हो जाता है तब वो हमारी बॉडी के ऊपर अपना मेजर इंपैक्ट एकदम से शो करता है। ठीक है, तो ये उनका जनरल सा ट्रेंड है कि वो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, एक सेफ या वो पार्टिकुलर साइट ढूंढेंगे जहां पर वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करें और इम्यून सिस्टम से बच करके छुपे रहे वहां पर। वो छुपे रहेंगे वहां उन सेल्स में या टिश्यूज में, वहां से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे और न्यूट्रिशन डिराइव करने के साथ साथ जब वो ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो विद द पासेज ऑफ टाइम उनका नंबर इतना सफिशियंटली बढ़ जाएगा कि अब वो आपके बॉडी को, आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो ये काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब वो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस अपीयर होते हैं, जैसे फीवर एकदम से आ जाना। ठीक है, किसी तरह का कोई फीवर एकदम से आ जाना, पस की फॉर्मेशन होना, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी में इंफेक्शियस एजेंट पहुंच चुका है, आपकी बॉडी इंफेक्टेड है। ठीक है, तो ये उनका वर्किंग मेथोडोलॉजी होता है कि वो काम कैसे करेंगे, आएंगे, छुपेंगे, न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे, सेल्स को डैमेज करेंगे, फिर नए सेल्स को पकड़ेंगे, फिर छुपेंगे, न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे और नंबर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब इस पूरी वर्किंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या इंफेक्शियस एजेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, वो हमारी बॉडी को इस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं कि हमारी बॉडी का या तो मॉर्फोलॉजिकल कोई फीचर डिसरप्ट हो जाएगा या हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है व
वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। उस स्टेट को हम बोलते हैं डिजीज, डिस्टर्ब्ड फंक्शनिंग, डिस्टर्ब्ड इजीनेस ऑफ डूइंग वर्क। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि अगर नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही थी और सडनली कुछ चेंज आ गया जिसकी वजह से अब वो फंक्शनिंग नॉर्मली नहीं चल रही, वो क्या है, डिजीज है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी तरीके से डिजीज काज करते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, कॉमन डिजीज कास्ड बाय बैक्टीरिया महाराज, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी में कुछ 4-5 इंपोर्टेंट डिजीज बता रखी है हमने, वही मेन यहां आज के इस वीडियो लेक्चर में करने हैं। तो सबसे पहले जो डिजीज है, सबसे पहली डिजीज है क्या, टाइफॉइड, ठीक है। क्या है, टाइफॉइड। तो कैसे पढ़ना है हमें इस डिजीज के बारे में, इन डिजीज के बारे में, वो देखिए। सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले डिजीज कौन से, टाइफॉइड, ठीक है। तो जो चीजें हमें याद रखनी है वो क्या है कि पैथोजन कौन सा है, पहले कि पैथोजन विच काज टाइफॉइड इज ए बैक्टीरिया नेम साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, टाइफॉइड नाम की बीमारी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है भाई। ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये हमारी बॉडी तक पहुंचेगा कैसे, तो इसके पीछे हम जवाब लिखेंगे क्या, थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये हमारे फिकल ओरल रूट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, किसके थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, ठीक है। फिकल ओरल रूट में आने के बाद इंटेस्टाइन से होता हुआ ये ब्लड के अंदर एंटर करता है और फिर दूसरे ऑर्गन्स तक ट्रांसफर किया जाता है। ये लिम्फ नोड्स को ऑक्यूपाई करता है, वहां पर मल्टीप्लाई करेगा, पियर पैचेस को ऑक्यूपाई करता है, वहां पर मल्टीप्लाई करेगा और हमारी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट करता है। तो कुछ चेंजेस जो हैं, कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं जिनको हम नाम दे देते हैं क्या, सिम्टम्स। अब क्या है, हमने टाइफॉइड का पैथोजन पढ़ा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, सिम्टम, कि इस बीमारी टाइफॉइड के सिम्टम क्या है, हम कैसे पता लगाएं कि जो कंडीशन अपीयर हुई है वो टाइफॉइड की कंडीशन है। तो हमें कुछ पार्टिकुलर फीचर्स, कुछ जो चेंजेस हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखने को मिलते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं, सस्टेन्ड हाई फीवर, एक तो तेज बुखार जो है उसकी बॉडी के अंदर अपीयर होगा, दूसरा एब्डोमिनल पेन, ठीक है। इसके अलावा वीकनेस, देखिए सस्टेन्ड हाई फीवर रहेगा, एब्डोमिनल पेन जो है वो अपीयर होगा, वीकनेस आ जाएगी बॉडी में, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन कंडीशन इंटेस्टाइनल डैमेज एंड इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो पंक्चर शो कर सकती है, ठीक है। इंटेस्टाइनल पंक्चर, या हम बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइनल वॉल जो है उसमें पोर्स डेवलप हो जाएंगे, परफोरेशन भी लिख सकते हैं आप, इंटेस्टाइनल
परफोरेशन अपीयर होगी। क्लियर हो रही बात? इंटेस्टाइनल परफोरेशन अपीयर हो सकती है, इंटेस्टाइन की वॉल में छोटे छोटे छेद जो है वो डेवलप हो सकते हैं, एंड इट मे रिजल्ट इन डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके? टाइफाइड के। सस्टेन हाई फीवर रहेगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन अपीयर होगा, निचले हिस्सा जो हमारा पेट का निचला हिस्सा है उसमें पेन होगा, कमजोरी आएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, और अगर इंफेक्शन सीवियर है तो उस केस में इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें परफोरेशन हो सकती है, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या है, डेथ। इसका जो ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है इसका चलता है इस टाइफाइड नाम की कंडीशन को कंट्रोल में करने के लिए, हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो है, जरूरी नहीं है कि किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एंटर कर गया है तो उसकी बॉडी के अंदर डिजीज अपीयर होगी ही होगी। ठीक है, कुछ लोग, कुछ ह्यूमंस की जो बॉडी है वो इन्हें अडेप्ट कर लेती है और उन ह्यूमंस के अंदर जो साल्मोनेला टाइफी है वो किसी तरह की कोई डिजीज जो है वो शो नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने थ्रू, खुद के थ्रू इस साल्मोनेला टाइफी को ट्रांसमिट करने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल जिनकी बॉडी में साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट तो है लेकिन बीमारी नहीं शो कर पा रहा है, इस तरह के इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं कैरियर्स। क्या बोलेंगे? कैरियर्स। और टाइफाइड से रिलेटेड एक पार्टिकुलर एग्जांपल जो है किसका? मैरी मेलन का। ठीक है, मैरी मेलन का जो एग्जांपल है वो दिया जाता है, ये एक लेडी थी जो कि कैरियर थी किसकी? साल्मोनेला टाइफी की, और ये एक कुक थी बाय प्रोफेशन, और जिस खाने को ये प्रिपेयर किया करती थी उस खाने को की वजह से, उस खाने को खाने की वजह से काफी सारे लोग जो थे वो टाइफाइड के शिकार हुए थे। इसलिए मैरी मेलन का जो नाम था इसे टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाने लगा, इनका निकनेम निकाल दिया गया टाइफाइड मैरी। ठीक है, तो पहली जो डिजीज थी आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन की गई है डिटेल में, टाइफाइड कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, सिम्टम्स सस्टेन्ड हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड इन सीवियर केसेस ए कंडीशन इंटेस्टाइनल परफोरेशन में अकर कॉजिंग डेथ। ठीक है, तो ये पहली जो बीमारी है वो हमने पढ़ ली, किससे होने वाली? बैक्टीरिया से होने वाली। दूसरी जो डिजीज है वो क्या है? न्यूमोनिया। ठीक है, तो निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, निमोनिया इज अनदर डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। जो निमोनिया है इट इज एक्चुअली डिसऑर्डर रिलेटेड टू अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो वही पैटर्न फॉलो करना हमने, सबसे पहले बीमारी का नाम क्या है? न्यूमोनिया। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे क्या? पैथोजन, कि ये जो बीमारी है ये होती किसकी वजह से है। पैथोजन के बाद में हम लिखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स, और चूंकि ये सभी बैक्टीरियल डिजीज हैं तो
ट्रीटमेंट के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए, इन सभी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हम एक कॉमन पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमोनिया का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इसी को आप, इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को ही आप डिप्लोकोकस न्यूमोनिया भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको डिप्लोकोकस न्यूमोनिया भी बोला जाता है। ये दोनों सेम। इनके अलावा एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं जो न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सा? एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलती कैसे है, देखिए, एक है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, कि ये जो न्यूमोनिया है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैल सकती है, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल खांसते या छींकते न्यूमोनिया से अफेक्टेड इंडिविजुअल के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये फैल सकती है। ठीक है, दूसरा कंटामिनेटेड यूटेंसिल्स, यानी कि इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के द्वारा कंटामिनेटेड या उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के द्वारा यूज किए गए बर्तनों को अगर कोई दूसरा हेल्थी पर्सन यूज करता है तो उसके थ्रू भी ये जो न्यूमोनिया है ये फैल सकता है। ठीक है, इसके बाद न्यूमोनिया की कंडीशन में है क्या, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करता है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करेगा, कहां पहुंचेगा, एल्वियोलाई तक पहुंचेगा। ठीक है, एल्वियोलाई की सरफेस पर पहुंचने के बाद ये वहां पर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से सिक्रेटरी एक्टिविटी जो है एल्वियोलाई में वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सिक्रेटरी एक्टिविटी किसकी, सिक्रीशन जो है वहां पर जो म्यूकस प्रेजेंट है उसकी ओवर सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। अब क्या है, एल्वियोलाई जो है वो एक पार्टिकुलर प्लेस है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होना है। ठीक है, फ्री सरफेस है एल्वियोलाई की, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी इंटरनल सरफेस पर जो है एक्सचेंज होगा किसका, गैसेस का। ठीक है, अब वो जो एल्वियोलाई, वो जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर था जो अंदर से पहले खाली था, नाउ दैट एल्वियोलाई इज फिल्ड विद म्यूकस, अब वहां पर क्या है, म्यूकस ने ऑक्यूपाई कर लिया वो स्पेस। तो ओवरऑल जो सरफेस थी फॉर गैसेस एक्सचेंज वो क्या हो गई, रिड्यूस हो जाती है। तो पहला जो सिम्टम है न्यूमोनिया के केस में वो क्या है, एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद म्यूकस, सो इट रिजल्ट्स इन डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होगा, डिफिकल्टी, गैसेस एक्सचेंज जो चल रहा था उसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एल्वियोलाई की जो सरफेस थी वहां पर गैसेस एक्सचेंज होना था, एल्वियोलाई भर गया है फ्लूइड से, तो वो जो स्पेस जहां पर एयर जाती है वहां अब लिक्विड प्रेजेंट है, एयर जा नहीं पा रही है और गैसेस का एक्सचेंज रिड्यूस हो गया, कम हो गया, सांस लेने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, दूसरा इसमें फीवर अपीयर होगा, फीवर विद चिल्स, एकदम से ठंड लगते हुए बुखार जो है वो अपीयर होगी। ठीक है, फीवर विद चिल्स जो है वो अपीयर होगा। दूसरा, सॉरी तीसरा, कफ खांसी होगी। ठीक है, हेडेक,
सर में दर्द हो सकता है और साथ ही साथ सीवियर केसेस में जो लिप्स हैं, लिप्स एंड नेल्स टर्न ग्रे और ब्लूइश इन कलर। इस सीवियर केस अगर है निमोनिया का तो उस समय क्या होगा कि होठ या जो नाखून होंगे उस इंफेक्टेड इंडिविजुअल के वो सलेटी या हल्के नीले हो जाएंगे। ठीक है, तो निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो या तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या क्या है कंटामिनेटेड यूटेंसिल्स। ठीक है, इसके अलावा सिम्टम्स में एल्वियोलाई जो है वो भर जाते हैं म्यूकस की वजह से, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, फीवर बुखार आ जाती है ठंड लगते हुए, कफ खांसी होगी, हेडेक हो सकता है, और अगर कंडीशन स्वियर है, स्वियर कंडीशन में क्या होगा जो होठ होंगे या नाखून होंगे वो क्या हो जाएंगे ग्रेइश या ब्लूइश इन कलर। तो हमने ये जो दूसरी डिजीज थी बैक्टीरिया से होने वाली ये भी क्या पढ़ ली। इसके बाद ये दो डिजीज तो एनसीईआरटी में क्या आपको थोड़ा डिटेल में बताई हुई है, इसके अलावा बाकी की जो तीन डिजीज हैं उनके सिर्फ नाम दिए हुए लेकिन वो भी हम लोग क्या करेंगे इनके भी इन सब पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, कि पैथोजन कौन है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिम्टम्स क्या है। क्लियर हो रही बात? तो नेक्स्ट डिजीज जो है वो पढ़ते हैं कौन सी, बैक्टीरियल डाइसेंट्री या शिगेलोसिस। नेक्स्ट डिजीज कौन सी बेटा, बैक्टीरियल डाइसेंट्री या शिगेलोसिस। यहां लिख देता हूं बैक्टीरियल डाइसेंट्री या शिगेलोसिस। ठीक है, और ये जो बैक्टीरियल डाइसेंट्री या शिगेलोसिस है इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नेम्ड शिगेला डाइसेंट्री। ठीक है, शिगेला डाइसेंट्रिया। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड यानी कि ये जो शिगेला डाइसेंट्रिया है ये जो इंडिविजुअल की बॉडी तक पहुंचा कैसे, कैसे ये ट्रांसमिट होता हुआ वहां तक पहुंचा, तो इसके पीछे रीजन है कंटामिनेटेड फूड। ठीक है, कि कंटामिनेटेड फूड जो है वो खाया गया होगा और उस कंटामिनेटेड फूड में जो शिगेला के जो सेल्स थे ये प्रेजेंट होंगे और वहां से बॉडी को के अंदर एंट्री मिल जाती है, यानी कि ये भी किसको फॉलो करता है फीकल ओरल रूट को, किसको फीकल ओरल रूट। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं सिम्टम की। अब चूंकि फीकल ओरल रूट है तो इससे रिलेटेड जो कॉमन सिम्टम है जैसे हमने टाइफॉइड में भी पढ़ा उसका भी फीकल ओरल रूट था, उसमें भी एब्डोमिनल पेन का जिक्र आया था, तो आप इसमें भी एब्डोमिनल पेन जो है एक सिम्टम के तौर पर मेंशन करेंगे। दूसरा और इंपॉर्टेंट जो है वो ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल। ठीक है, कि जो फीकल मैटर उस इंफेक्टेड इंडिविजुअल की बॉडी से निकलेगा वो वाटरी होगा, स्टूल कंडीशन में होगा और उसमें म्यूकस का काफी ज्यादा हाई अमाउंट और ब्लड भी प्रेजेंट होगा। ये कंडीशन होती है शिगेलोसिस की या बैक्टीरियल डाइसेंट्री की। इसको खूनी दस्त भी बोल देते हैं, पेचिस नाम भी दिया जाता है। ठीक है, डाइसेंट्री आपने दो तरह की पढ़नी है, एक है बैक्टीरियल डाइसेंट्री और दूसरा है एमीबिक डाइसेंट्री एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि वो एक प्रोटोजोआन से होती। यहां पर ये जो डाइसेंट्री है ये बैक्टीरिया से होने वाली डाइसेंट्री है, इट इज कॉज्ड बाय शिगेला डाइसेंट्रिया। ठीक है, तो ये थर्ड डिजीज जो थी वो हम लोगों ने पढ़ ली, किससे हो रही थी बैक्टीरिया से होने वाली। अब जो नेक्स्ट डिजीज है जिसे हम सब पढ़ते आए हैं सुनते आए हैं जी, काली मौत, ब्लैक डेथ डिजीज। ठीक है,
क्या नाम है? ब्लैक डेथ या काली मौत, यानी हम बात कर रहे हैं एक और बैक्टीरियल डिजीज की, जिसे हम नाम देते हैं प्लेग। ठीक है, क्या नाम है जी डिजीज का? डिजीज का नाम है प्लेग। ठीक है, और प्लेग जिस बैक्टीरिया से होती है उसको हम बोलते हैं यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, प्लेग नाम की जो बीमारी है वो यर्सिनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। क्लियर हुई बात? और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये जो यर्सिनिया पेस्टिस है काली मौत के लिए जिम्मेदार, देखिए नाम भी ऐसा डरावना सा। ठीक है, काली मौत यानी कि प्लेग के लिए जिम्मेदार जो पैथोजन है यर्सिनिया पेस्टिस, वो हमारी बॉडी तक पहुंचेगा कैसे? उसके पीछे रीजन है जी एक वेक्टर, जिसको आप रेट फ्लिया का नाम देते हैं, पिस्सू भी बोल देते हैं। ठीक है, पिस्सू या रेट फ्लिया, इसका साइंटिफिक नेम है जिनोप्सेला चियोपसिस, चियोपिस। ठीक है, जिनोप्सेला चियोपिस, किसका? रेट फ्लिया का। ठीक है, तो ये जो रेट फ्लिया है ये यर्सिनिया पेस्टिस को ट्रांसमिट करती है। मेनली ये जो बैक्टीरिया है ये रेट्स के अंदर पाया जाता है, रेट्स के अंदर डिजीज काज करता है, रेट्स की डेथ काज करता है। और जब चूहे की मृत्यु हो जाती है तो चूहे की बॉडी से निकल करके जो रेट फ्लिया है विच इज लोडेड विद यर्सिनिया पेस्टिस, ये इधर उधर फैलते हैं, ह्यूमंस के कॉन्टेक्ट में आते हैं, और ह्यूमंस के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो यर्सिनिया पेस्टिस जो है वो चूहों की बॉडी से निकल के कहां पहुंच गया? ह्यूमंस तक, जहां पर अब वो प्लेग नाम की एक भयंकर एपिडेमिक, जो उस समय एपिडेमिक आया करती थी, ठीक है, ये फैलाने का काम करेगा। और इसके जो सिम्टम्स हैं, देखिए आप प्लेग के जो सिम्टम्स हैं, प्लेग वैसे दो तीन तरह की होती है और इनमें से दो फॉर्म्स जो हैं वो फेटल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा फेमस जो है वो हम बोलते हैं ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, तो इसमें हाई फीवर, एक तो बुखार होगा काफी तेज, दूसरा हेडेक हो सकता है। ठीक है, हाई फीवर और हेडेक। इसके अलावा ब्यूबोनिक नाम क्यों दिया जाता है? ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। भाई जब ये इंफेक्शन शो करता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सिलरी यानी कि हमारे आर्मपिट में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहां उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो साइज में बढ़ जाते हैं। ठीक है, ब्यूबोन अपीयरेंस जो है वो शो होती है, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं ब्यूबोनिक प्लेग। और ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता है उसके पीछे भी रीजन है, हेमोरेजेस अपीयर होते हैं, हेमोरेज ब्लड जो है वो बॉडी से रिसना स्टार्ट हो जाता है, विच टर्न्स ब्लैक, खून जो है बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो गया और ये जो ब्लड है थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है, एकदम काला पड़ जाता है। इसीलिए ये जो बीमारी है प्लेग या ब्यूबोनिक प्लेग, इसे ब्लैक डेथ का नाम दिया जाता है। ठीक है, और जैसे कि हमने टाइफाइड में बात की थी, ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक से होगा, ये सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज है और आज इनका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है तो हम बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल में करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जनरली एंटीबायोटिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहां पर प्लेग के बारे में पढ़ लिया और अब हमारी जो लास्ट डिजीज है आज की वीडियो की, लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है? डिप्थीरिया। कौन से? डिप्थीरिया। क्लियर, तो लास्ट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया पढ़ते हैं, नाम है डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया को हम लोग हिंदी में जनरली
गलगोंटू बोलते हैं, ठीक है, गलगोंटू। इसका जो बैक्टीरिया होता है, किसका, डिप्थीरिया का, ये एक एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, इट रिलीज एन एक्सोटॉक्सिन। चलिए पहले मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, डिप्थीरिया या गलगोंटू जिसको हम बोलते हैं। ये कौन से पैथोजन के द्वारा, यानी कि कौन से स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा काज किया जाता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया की वजह से ये जो डिजीज है ये अपीयर होती है। अब ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है ये ट्रांसमिट कैसे होता है, देखिए ये भी ट्रांसमिट होता है बाय ड्रॉपलेट इंफेक्शन, ठीक है, एक तो ड्रॉपलेट इंफेक्शन, दूसरा बाय कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद स्प्यूटम ऑफ इंफेक्टेड पर्सन। भाई एक तो सामने खड़ा छींक रहा है वो इंडिविजुअल, तो उसके माउथ से छींकने के दौरान वो जो ड्रॉपलेट है वो आप तक पहुंची और इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा क्या है कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो इधर उधर अपना जो गले में इकट्ठा हो रहा जो बलगम टाइप मटेरियल स्प्यूटम जो है उसको बाहर फेंकते हैं, और अगर वो कंटामिनेट कर देता है खाने पीने की चीजों को या पानी को, खाने को या पानी को, तो इससे भी ये जो डिप्थीरिया है हमारी बॉडी तक ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम में देखिए फीवर, फीवर जो है और पार्टिकुलरली इसका जो केस है उसमें अपीयर होती है हाई ग्रेड हाई ग्रेड फीवर डिप्थीरिया में। इसके अलावा चूंकि ये हमारे गले में अपना ज्यादातर इंपैक्ट जो है वो शो करता है, तो दूसरा जो है वो है सोर थ्रॉट, ठीक है, एंड एपिथेलियल नेक्रोसिस, एपिथेलियल नेक्रोसिस। एपिथेलियल नेक्रोसिस का मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू एक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एक्सोटॉक्सिन से जो हमारे थ्रोट का जो एपिथेलियम होगा वो उसकी डेथ काज हो जाएगी, वो ब्लैकनिंग शो कर देगा, ठीक है, तो एक ग्रेइश ब्लैक लेयर जो है वो अपीयर हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्थीरिया। स्वीयर केसेस में अगर ये बैक्टीरिया हमारे हर्ट तक पहुंच जाता है तो हर्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है वो भी अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, इन टॉपिक्स को रीड कीजिएगा, ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।